Hello, dear. Dear, mam ma is here.

ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम केस स्टडी कहते हैं सो so, हम कह सकते हैं अ केस स्टडी इज अ डिटेल स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन ग्रुप सिचुएशन एटसेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये होता है केस स्टडी लेकिन वी आर गोइंग थ्रू द सोशल साइंसेज साइंसेज और सोशल में केस स्टडी क्या है यह एक रिसर्च मेथड है यह एक रिसर्च करने का मेथड है जिसमें हम काफ़ी करीब से किसी चीज़ को पढ़ते हैं काफ़ी गहराई में किसी चीज़ को पढ़ते हैं और काफी तफसील में इन डिटेल्स हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं चाहे वो इंसान हो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं या कोई ग्रुप है उसको जानने की कोशिश करते हैं या कोई सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं बट इसमें क्या होता है इस रिसर्च मेथड में इट्स वेरी क्लोज इट्स वेरी इन डेप्थ इट्स वेरी डिटेल्ड यू नो आप इसमें हर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं एंड दिस चैप्टर इज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स अ केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसमें हमें देखना है कि इंटीग्रेशन कैसे हो गया दैट मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे वो कैसे जुड़ गया और उसमें एक हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर था उसके बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है देखिए डियर स्टूडेंट्स बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स अ केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले आपको समझना है 1947 से पहले इंडिया कैसा था देखिए एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन फिफ्टी अगस्त 1947 जो इंडिया था इट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेट्स ऑफ टेरिटरीज एक जो था एक सेट ऑफ तो टेरेटरी उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था और दूसरा सेट ऑफ तो टेरेटरीज उसको प्रिंसली इंडिया कहा जाता था या प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में डिफरेंसेस थी ब्रिटिश इंडिया क्या था ब्रिटिश इंडिया वर अंडर द द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया ऑफिस इन लंडन एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सीधी सी बात हम कहेंगे जो ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया था इट वाज डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब कुछ चलता था ब्रिटिश इंडिया में लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में ऐसा नहीं था प्रिंसली स्टेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे नॉमिनली सॉवरन एंटिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एंपायर दैट वॉज नॉट डायरेक्टली बाई द ब्रिटिश राधा बाय नेटिव रूलर अंडरक्ट रूल इसका मतलब होते थे बादशाह के राजकुमार होते थे और वो वहां पर govern करते थे उन्होंने किसी तरीके की subsidiary alliance की होती थी British राज के साथ लेकिन इंटरनल कंट्रोल वो काफी ज्यादा एंजॉय करते थे दैट मींस इंटरनल अफेयर वो अच्छे से इन्जॉय करते थे पूरा इंटरनल कंट्रोल उनका था प्रिंसली स्टेट्स में लेकिन उनको एक चीज़ थी कि उनको ब्रिटिश सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी थी दैट मींस ब्रिटिश क्राउन इज़ द सुप्रीम ये चीज़ उनको एक्सेप्ट करनी थी प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारी थी और ज़्यादातर जो टाइटल्स वहाँ के बादशाहों के थे कहीं पे महाराजा बोला जाता था कहीं पे सुल्तान नवाब निज़ाम नायक ऐसे ऐसे टाइटल्स नेटिव रूलर्स के होते थे सो so, जब हम देखते हैं 1947 में वी सी दैट देवर अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया